पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपने एक निकम्मे से अपनी बेटी की शादी करवाई है जो उसको डिजर्व नहीं करता। रेयांश, मैंने आराधना, तू चुप रहे, तुझसे कुछ होता नहीं है, घर पे बैठा रहता है, काम काज है नहीं, बीवी काम पे जाए, तुझे प्रॉब्लम होती है। बस रेयांश, अब और नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन तुम्हें मेल कर चुकी हूं, अब मैं और तुम्हें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेयांश, जाओ यहां से। चलिए डैडी, चलिए मम्मा, चलो जी। बड़ा सरफिरा लगता है, आराधना की शादी हो गई तब भी। अरे हमको क्या, टीवी सीरियल की जगह ये लाइव तमाशा देखने को मिल रहा है। किस तरह बिहेव करता है, कोई तमीज नहीं है, और ये जॉब उसका। हर्ष, आप शांत हो जाइए, इसमें आराधना की क्या गलती, वो तो सिर्फ जय और उसकी फैमिली को उस वक्त पैसों की नीड थी इसलिए हेल्प कर रही थी, उसको क्या पता था कि उसका बॉस रेयांश निकलेगा। अब जो होना था वो हो गया, देखिए अब आपको आपके डेंटिस्ट सेमिनार में जाना है, आप बस उस पे ध्यान दीजिए। भाई ये सब हो रहा है और मैं सेमिनार कैसे अटेंड कर सकता हूँ भक्ति? ये लड़का हमारी कुंडली पे मनहूसियत है, वो पहले भी आया था तब भी सब खराब कर गया था और अभी भी। सब मेरी गलती, रेयांश जो कुछ भी कर रहा है वो मेरी वजह से कर। I'm sorry डैडी, but डैडी प्लीज आप मेरी वजह से अपना सेमिनार कैंसिल मत कीजिए, आप ही कहते हैं ना कि काम सबसे पहले है, तो प्लीज डैडी। हर्ष, आप मना मत कीजिए प्लीज। ठीक है, चाहे आज जो कुछ भी हुआ, I'm sorry for that. It's okay पापा, आप चल कीजिए, आराम से सेमिनार अटेंड कीजिए। अरे वाह पराठे, आज तो मजा आने वाला है। लेकिन पराठे सिर्फ आज के लिए, और कल से आपको मेरे साथ वॉक पे चलना है, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। तुम ये भी लो, देखो कितने कमजोर हो गए हो। तुम भी हो गई हो कमजोर। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ठीक हो जाऊंगा। वादा किया है, और तुम्हें छोड़कर जाऊंगी भी कहाँ। चलो इसी बात पे एक और बाइट। इस बात पे तुम खाओ। अरे रेयांश, तुम कब आए? क्या हो रहा है पुत्र जी, क्या हुआ? आप दोनों कब से कैसे? बस मैंने और तेरी माँ ने इस शादी को एक और मौका देने का फैसला किया है। Dad, फिर से क्यों पालतू में फंस रहे? रेयांश, हम समझते हैं कि हमारे पिछले एक्सपीरियंस की वजह से शायद तुम, लेकिन शादी का रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है ना कि अपनापन आ ही जाता है। जय, आई एम रियली सॉरी, रेयांश ने जो कहा तुम प्लीज उनकी बातों को बस करो। आराधना, कितनी सफाई दोगे रेयांश के बारे में? सुन लिया मैंने, समझ गया मैं, तुम कमाती हो, तुम इस घर को चलाती हो, मैं ही लूजर हूँ, मैं समझ गया। जे तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ आराधना, गलती तो मेरी है, और मुझे लगता है मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। जे प्लीज, जे कहाँ जा रहे हो? जे कुछ है इम्पोर्टेंट काम, अब जाके काम तो करना पड़ेगा ना आराधना, घर बैठ के फ्री का खाना तो नहीं खाऊंगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये बात तुम भी समझ लो, आराधना को भूल जाओ रेयांश और आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए और आराधना के लिए यही सही है। प्लीज आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। बस बस रेयांश, तू अपनी माँ के साथ ऐसी बात नहीं कर सकता, कंट्रोल किया कर। ये बता तेरा मूड खराब क्यों है? कुछ नहीं डैड, मुझे ना लोगों को समझ में नहीं आता, उन्हें कुछ सच बताओ उनका दिमाग खराब हो जाता है। सीधा सीधा बोलेगा, मैंने आराधना के डैड को बोल दिया कि आराधना के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो उनकी वजह से हो रहा है। सबसे पहले गलती, एक तो जय से शादी करवा दी फालतू में, उसके बाद जय माशे का अफेयर चल रहा है मनाली में किसी और लड़की के साथ, और आराधना उसे कुछ बोल नहीं दी है, मुझे चाटा मार दिया बिकॉज मैंने उसके डैड के साथ बदतमीजी कर दी थी। बिल्कुल सही किया उसने। तुझे पता है मुझे आराधना क्यों पसंद है?
क्योंकि चाहे जो भी सिचुएशन हो वो लड़की तुझे सही रास्ता दिखाती है हमेशा, और शायद वो आज भी तुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर वो अपनी शादी निभा रही है। हाँ रेयांश, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। इतने सालों बाद हमारी शादी को मैंने मौका देने का तय किया है पूरे दिल से, लेकिन आराधना मेरी तरह नहीं है, वो इन चीजों को समझती है और इसलिए तू उसे पसंद करता है, क्योंकि उसे रिश्तों को संभालना अच्छी तरह से आता है। और तूने उसके बाप के साथ जो बदतमीजी की, अगर कोई मेरे साथ करता ना, मैं समझ गया क्या? अगर समझ गया तो जा और उसके डैड से माफी मांग। पराठे खाएं, बैठिए जी बैठिए। ये जागृति भी ना कहीं भी कुछ भी रख देती है। यहाँ एक तो रहने के लिए जगह नहीं है, इतना सारा सामान, हर्ष का सेमिनार है, सारी पैकिंग बाकी है, रियांश के आने के बाद कुछ तो काम भी नहीं हो पाया। अरे यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ, अच्छा क्लिनिक की होगी, लेकिन ये यहाँ पे स्टोर रूम में तो सामान मैं ही रखती हूँ, और मैंने तो यहाँ नहीं रखा, तो ये किसने? ये दवाई तो बैंड है, इसका मतलब इल्लीगल। छह खुराना, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में छह ने गलत रास्ता तो नहीं अपनाया? डैड सही कह रहे थे, गुस्से में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे आराधना के डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इनडायरेक्टली मैंने आराधना को ही हर्ट कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई था, और वो आवाज, आराधना, जय ठीक है ना? पता नहीं कहाँ गए हैं मामा। रियांश को उसे ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए थे, जय पहले से ही बहुत अपसेट था, उसे वैसे ही लग रहा है कि इतने महीनों से वो मुझ पर, मेरी फैमिली पर डिपेंडेंट है, और रियांश के मुंह से ये सारी बातें सुन के उसे कितना बुरा लगा होगा। पता नहीं कहाँ गए मामा, उसे बताया भी नहीं है, जस्ट होप वो जहाँ भी हो ठीक हो। सुन, तुझे लगता है कि जय कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं चुनेगा? गलत रास्ता मतलब? उमा प्लीज आप ऐसे मत सोचिए, जय बहुत ही अच्छा, बहुत नेक दिल, बहुत बहुत साफ दिल का। सॉरी राधे, लेकिन वो मनाली वाली बात भी तूने, उसने तुझे झूठ बोली थी। आपको क्या हो गया मम्मा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, और आप जय के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब नहीं, जय बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए, वो अच्छा लड़का है, पता नहीं मेरा दिमाग आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये मम्मा, मैं जानती हूँ आप परेशान हो, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, आपको इतना काम करना पड़ रहा है, पर हाँ प्लीज थोड़ा अपना भी ख्याल रखो, थोड़ा सा शांत। राधी सुन, तेरी माँ कोई बूढ़ी नहीं हुई है, जितना परिवार बड़ा है उतना अच्छा है, घर में सुख होता है, शांति होती है, सब अच्छा होता है। सुन, मुझे बहुत सारे काम पड़े, मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।